तो हे हेलो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नया वीडियो में। तो गाइस आज जो है ना हमारा गेम के अंदर देख ही पा रहे हो गाइस, लक रॉयल के अंदर जो है हमारा न्यून क्रिमिनल मतलब सॉरी गाइस पर्पल क्रिमिनल जो है रिटर्न आ चुका है। तो गाइस काफ़ी शानदार बंडल है और गाइस बहुत ज़्यादा पुराना बंडल है, गाइस देख ही पा रहे हो आप लोग, गाइस बहुत ज़्यादा रेयर बंडल है। और गाइस ये वाला बंडल जो है ना थोड़ा गुस्से वाला बंडल है, तो गाइस काफ़ी लोगों को जो है पसंद भी है। तो गाइस सुबह मेरा मतलब बहुत सारा दोस्त लोग या फिर सब्सक्राइबर लोग पूछ रहे थे कि गाइस ये वाला बंडल निकालना चाहिए या नहीं और निकालेंगे तो गाइस कितना डायमंड लग सकता है। तो गाइस आज जो है इसी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस अगर चैनल पर नया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन आता है उसको ऑल पे सेट कर देना ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग मिस ना कर सको। और गाइस वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए गाइस इसी के ऊपर बात करते हैं आज। तो गाइस आज जो है ना देख सकते हो ये वाला न्यू मतलब पर्पल क्रिमिनल आ चुका है। और गाइस ये जो इवेंट है ना गाइस 14 दिन तक मतलब चलने वाला है। और गाइस इसके अंदर देख ही पा रहे हो गाइस एक रियर मतलब आइटम में से गाइस देख सकते हो एक बंडल है मतलब क्रिमिनल बंडल, उसके बाद एक मैजिक क्यूब तो गाइस आप लोगों को फ्री में मिल ही रहा है। साथ ही साथ गाइस देख सकते हो पैंट और एक शर्ट और कुछ मतलब गिने चुने आइटम गाइस देख सकते हो। तो गाइस आप लोगों को इसके अंदर स्पिन करना चाहिए या नहीं, तो गाइस आप लोग देख ही पा रहे हो अगर एक स्पिन करने जाओगे ना आप लोग तो गाइस 40 डायमंड का स्पिन लग रहा है और अगर 5 स्पिन करोगे तो गाइस 180 डायमंड का स्पिन लग रहा है। तो गाइस आप लोग मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि गाइस इस इवेंट के अंदर डायमंड मत लगाओ गाइस, इसको आप लोग अगर लेने जाओगे ना तो गाइस इसके अंदर से आप लोगों को साढ़े चार हज़ार डायमंड या फिर यूँ मतलब सबसे ज़्यादा लकी बंदा होगा ना तो गाइस 3000 भी डायमंड लग जाएगा। क्योंकि गाइस इसके अंदर देख सकते हो जैसे कि गाइस हमारा डायमंड रॉयल आता है ना, जैसे कि गाइस देख सकते हो मेरा इसमें 93 लक है और 100 होने पर ही गाइस आप हम लोगों को मुझे जो है मतलब ये वाला बंडल मिल जाएगा मतलब गोल्ड डायमंड रॉयल से। तो गाइस इसी तरह का जो सिस्टम बना दिया गया मतलब क्रिमिनल के अंदर। तो गाइस इसके अंदर आप लोग अगर स्पिन करोगे तो गाइस आप लोगों को 4000 डायमंड लग जाएगा इसको निकालने में। क्योंकि गाइस इसके अंदर जो है देख सकते हो गाइस मैं इसके अंदर घुस के दिखा देता हूँ, इसके अंदर देख सकते हो एक भी टोकन नहीं दिया गया गाइस। जैसे कि हमारा दूसरा रॉयल आता है या फिर BD सर्वर में यूँ कह लो कि गाइस जब क्रिमिनल बंडल आया था तब उसके अंदर टोकन भी दिया गया था एक्सचेंज करने के लिए। और देख सकते हो ये जो बनी बंडल है ना आया है ना गाइस इसके अंदर भी देख सकते हो टोकन दिया गया, देख गाइस देख सकते हो टोकन वगैरह दिया गया। आप लोग अगर इसको डायमंड से नहीं निकाल सकते तो गाइस टोकन से आराम से निकाल सकते हो। इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि गाइस इसके अंदर स्पिन मत करो गाइस, एक भी टोकन नहीं। आप लोग अगर निकालना चाहते हो तो गाइस आप लोगों को इसको डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, मतलब जब आपका 100% लक होगा तभी निकलेगा या फिर मतलब जब आपका लक बहुत अच्छा साथ देगा तभी गाइस ये वाला निकलेगा। और गाइस ये वाला पुराना है तो पुराना ही रहने दो। और गाइस आप लोग अगर क्रिमिनल बंडल निकालना ही चाहते हैं ना तो गाइस हमारा जो मतलब अभी तक येल्लो क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल बाकी है गाइस वो शायद से हमारा अच्छा वाला इवेंट में दे दिया जाए ताकि हम लोग उसको कम से कम डायमंड में ले सकते। तो गाइस उसको आप लोग ले सकते हो, इसको मतलब गाइस इसके अंदर बहुत ज़्यादा डायमंड कटने वाला है। और आप लोगों को पता है गाइस अभी फ्री फायर जो है इंडियन सर्वर में बैंड है तो गाइस इतना डायमंड लगा के कोई फ़ायदा नहीं। और गाइस कोई आम लड़का तो इसको परचेज नहीं कर सकता क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है गाइस आप लोग अगर 500 डायमंड भी टॉपअप करने जाओगे ना तो गाइस 400 रुपये लगते हैं। और गाइस आप अगर मान लो कि 2000 डायमंड में भी आप लोगों को निकलेगा ना तो गाइस 1600 डायमंड का टॉपअप करना पड़ेगा यार। तो गाइस इतना पैसा लगा के क्या करोगे यार 1600 पैसों में। तो गाइस आप लोगों को कोई अच्छा चीज़ आ जाएगा जो आप लोग मतलब अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो गाइस अभी बात करोगे कि गाइस तूने क्यों निकाला, तो गाइस मैंने बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक्स लगा के निकाला है गाइस वीकली एंड मंथली गाइस, हालांकि उसमें भी पैसा लगता है बट गाइस मैं जो है टॉपअप नहीं करता गाइस। आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस, मैं जो है टॉपअप इवेंट भी खोल के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देख सकते हो मैंने अभी तक टॉपअप इवेंट भी कम्प्लीट नहीं किया। तो गाइस सोच सकते हो कि गाइस मैं जो है टॉपअप वगैरह नहीं करता गाइस। आप लोग अगर वीकली मंथली जमा करके अगर टॉपअप करते हो तो गाइस वो बात अलग है, आप लोग लगा सकते हो। बट गाइस हाँ अगर आप लोगों के पास 3000 से डायमंड ऊपर है तो गाइस आप लोग लगाओ, वरना आप लोग मत लगाओ क्योंकि गाइस इसके अंदर आप लोगों को 3000 डायमंड यूँ ही चले जाएंगे गाइस, कुछ नहीं मिलेगा। बाकी मतलब ये देख सकते हो फालतू का आइटम जो कि मतलब एकदम थीम वाला है गाइस, इसको आप लोग मतलब आसानी से निकाल सकते हो गाइस, एक दो बॉक्स खोलने पर ही मिल जाएंगे गाइस ये वाला। आप लोग स्टोर से बाय करोगे या फिर डिस्काउंट आता है तो गाइस 40 डायमंड स्पिन करके अगर ये लोग ये निकालोगे तो गाइस क्या फ़ायदा रहेगा गाइस, ये बेकार हो जाता है गाइस। और मतलब थीम गन कोई यूज़ भी नहीं करता गाइस,
और बात करते गए ये मतलब पर्पल क्रिमिनल के, तो गई ये वाला मत निकालो गई, ब्लू और मतलब ये जो है येलो क्रिमिनल बाकी है, तो गई ये जो क्रिमिनल आ रहा है गई आप लोग इसको निकाल सकते हो एकदम आराम से। तो गई आज था कुछ यही मतलब क्रिमिनल के बारे में गई, मैं तो लास्ट बार भी यही बोलूँगा कि गई आप लोग फालतू में डायमंड मत लगाओ इसके अंदर गई। आप लोगों को जो मतलब जिस जो वाला डायमंड मतलब ऐसा आता है ना कि गई ऐसा वाला लक रॉयल जैसे बनी एमपी वर्सेस वाला आया गई, आप लोग कुछ डायमंड यहाँ पर अगर आप लोग 2000 डायमंड लगाओगे ना तो गई आग बन कर, मैं बोल दूंगा कि गई 2000 डायमंड में आप लोगों को इसमें गारंटी निकल जाएगा गई। अगर नहीं निकलेगा तो गई मुझे आके बोलना गई, 2000 डायमंड में इसमें गारंटी मिल जाएगा गई। ये वाला बनी एमपी वर्सेस निकालना चाहते हो तो गई ये भी मिल जाएगा, नहीं तो गई बनी बंडल भी निकल जाएगा गई। ऐसा वाला अगर रॉयल आता है तो ही आप लोग स्पिन किया करो गई, ऐसा वाला रॉयल में आप लोग स्पिन मत किया करो गई। अगर ज़्यादा डायमंड लग जाएगा मतलब रहेगा ना तो गई तभी स्पिन करो, मतलब 4000 डायमंड या फिर 3000 से ऊपर रहेगा तभी स्पिन करना, वरना स्पिन मत करना गई। आज के लिए वीडियो बस इतना ही, होप के आप सब लोग को जो मैंने बताया वो अच्छा लगा होगा, और गई आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और गई अगर चैनल पर नया आया तो गई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो गई वीडियो को लाइक कर देना।